हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे सावनी प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत से कलर्स आते हैं, पिंक, वाइट, पर्पल। हमारे पास इसके दो प्लांट हैं और दोनों ही हमने कटिंग से ग्रो किए थे, एक पिंक और एक वाइट। जल्दी ही हम तीसरा पर्पल कलर भी इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे अपने गार्डन में। तो चाहे वो हमें नर्सरी से लाना पड़े, चाहे हमें उसकी कटिंग ग्रो करनी पड़े, तो देखते हैं वो हमें कहाँ मिलता है। तो इस तरह से हमारे गार्डन में इसके दो प्लांट हैं। तो इसकी कटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल आप 6 से 7 इंच बड़ी कटिंग इसकी ले सकते हैं और ऐसे ही गार्डन में अपने ग्रो कर सकते हैं, चाहे ज़मीन में चाहे पॉट में। और ज़मीन में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो उसमें बारिश के पानी का ध्यान रखें, उसमें पानी ना भरने पाए। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे बारिश ना आती हो और उसमें हल्का मॉइस्चर बना के रखें, क्योंकि अगर उसमें पानी भर जाता है तो सारी कटिंग गल जाती हैं। तो इस तरह से इसमें बंच में फ्लावर्स आते हैं और इसमें एक खासियत होती है, जब इसका बंच ख़त्म हो जाता है फ्लावर्स का, तब इसमें दोबारा से न्यू फ्लावर बड्स आती हैं। और ये पूरे समर और रेनी सीज़न फ्लावरिंग करता है, अप्रैल लास्ट से मई में इसमें फ्लावर बड्स आती हैं। और ये पूरे समर और रेनी सीज़न बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है प्लांट, और स्प्रिंग सीज़न में ग्रोथ स्टार्ट करता है, क्योंकि विंटर में इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो बिल्कुल सूखा हुआ प्लांट हो जाता है ये देखने में। तो आप ये ना सोचें कि आपका प्लांट सूख गया है, और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है प्लांट दोबारा ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर कलर है इसका, ब्राइट कलर है, बटरफ्लाई भी आती हैं इस पर और हमिंग बर्ड हैं। काफ़ी सुंदर प्लांट है और 12 इंचेस के पॉट में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। प्लांट को सनलाइट आप 4 से 5 घंटे की दीजिए और इसमें मॉइस्चर बना के रखिए, क्योंकि जो इसके फूल होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, अगर आप इसमें पानी नहीं देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। तो हल्का मॉइस्चर ही बना के रखिए, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें इसमें, क्योंकि उससे इसकी रूट्स गलने लगेंगी। किसी भी प्लांट में अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो प्लांट की रूट्स गलने लगेंगी। तो हम इसमें सुबह शाम वाटरिंग करते हैं, देखिए इसकी न्यू जो ब्रांच है उसमें भी फ्लावर बड आने लगी है। तो हम इसमें सुबह शाम वाटरिंग करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि प्लांट में नमी है तो हम उस दिन इसमें वाटरिंग नहीं करते हैं, तो इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो इस प्लांट की प्रूनिंग और कटिंग आप करते रहें, ट्रिमिंग करते रहें, क्योंकि उससे इसमें न्यू जो शूट्स हैं वो निकलती हैं, नई शाखाएँ निकलती हैं। तो उस क्योंकि हर शाखा पे फ्लावरिंग होती है, तो जितनी शाखाएं निकलेंगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ज़्यादा भी कटिंग ना करें आप इसकी, जैसे कि आप इसकी जैसे स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है तो आप उससे पहले इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो उस तरह से इसमें बहुत अच्छी शूट्स निकलती हैं। वैसे तो रेनी सीज़न में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन कटिंग्स को आप ग्रो कर सकते हैं जो आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, लेकिन अभी फ्लावरिंग का टाइम होता है तो कटिंग करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसको नए प्लांट बनाना चाहते हैं तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रेनी सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न में ही इसकी कटिंग ग्रो की जाती है। तो इस प्लांट की कटिंग हमने अगस्त में ग्रो की थी, 2017 के अगस्त में हमने इसको कटिंग से ग्रो किया था। प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, और इसकी 6 से 7 इंच बड़ी कटिंग को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये वाइट सावनी है, जिसको भी हमने कटिंग से ग्रो किया था, और 2019 की फरवरी में 2019 की फरवरी में हमने इसको ग्रो किया था कटिंग से। तो इसको केवल 5-6 महीने ही हुए हैं, और अब देखेंगे कि प्लांट फ्लावरिंग करता है या नहीं करता है। तो आप देख ही सकते हैं इसमें 2-3 कटिंग ग्रो की हुई हैं हमने, तो आप कम से कम 4-5 कटिंग ज़रूर ग्रो करें किसी भी प्लांट की, क्योंकि कुछ कटिंग सक्सेसफुल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमने इसमें कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं ऐड किया था, केवल ऐसे ही इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दिया था। कोई भी अगर आप कटिंग लगाते हैं उसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगाएँ या रिवर सैंड में लगाएँ, कोई भी फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी में इसको ना लगाएँ, क्योंकि कटिंग ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो सॉइल होती है अगर हम उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं तो वो सॉइल गर्म हो जाती है और उससे रूट्स नहीं निकल पाती प्लांट की। तो आप हमेशा कोई भी कटिंग जब भी लगाएं उसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाएं, चाहे तो ज़मीन में लगाएं चाहे तो पॉट में लगाएं। तो देखिए हमारे इस प्लांट पे फ्लावर बड आने लगी हैं, और देखिए 5-6 महीने में भी हमने इसको कटिंग से ग्रो किया था और बहुत अच्छी फ्लावर बड इसने दे दी है 5-6 महीने के अंदर अंदर।
तो जब आप कटिंग से कोई प्लांट बनाते हैं तो आपको तुरंत फ्लावरिंग दे देता है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है प्लांट में और न्यू फ्लावर बड्स आ रही हैं, तो जल्दी ही इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट होगी। तो ये प्लांट हमने फरवरी में ग्रो किया था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो हमने पिंक वाला ग्रो किया था वो हमने अगस्त में ग्रो किया था, तो उसको हमने रेनी सीज़न में ग्रो किया था, इसको हमने स्प्रिंग सीज़न में ग्रो किया था फरवरी में। तो आप दोनों ही समय में इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और दोनों के रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं हमारे दोनों प्लांट्स को। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना के रखेंगे, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम से ही अच्छा प्लांट चलते हैं। जितने भी आपके प्लांट हैं उनमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे प्लांट पे फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगी है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि उसी से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपको कोई क्वेरी है गार्डनिंग से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिए, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे, आप दोनों ही पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है, लिंक पे जाके आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और इंस्टा पेज पे जा सकते हैं। तो इस तरह से प्लांट धीरे धीरे फ्लावरिंग अच्छी करता जा रहा है और इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं, जैसे कॉटन होती है उस तरह से इसके फ्लावर्स लगते हैं। और जब इसका पूरा बंच खिल जाता है फ्लावर का तो पूरा ऐसा लगता है जैसे स्नोफॉल होती है पेड़ों पे, जब बर्फ़ जम जाती है स्नोफॉल होती है तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कुछ कुछ, तो बहुत सुंदर लगते हैं ये फ्लावर्स। दोनों ही कलर अच्छे हैं, इसका थर्ड कलर भी हम जल्दी ही अपने गार्डन में ऐड करेंगे, वो भी बहुत सुंदर होता है, पर्पल कलर होता है। तो आप जल बचाइए, अपने आसपास सफाई रखिए और वृक्ष लगाइए, क्योंकि आप चारों तरफ हरियाली करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे छोटा सा गार्डन बनाइए, आप ज़रूर बनाइए, अगर आपकी बालकनी है बालकनी पे बनाइए, या आपके पास थोड़ी सी भी जगह हो अगर घर के आगे तो आप ज़रूर गार्डन बनाइए, चाहे छोटा सा बनाइए। बहुत अच्छा शौक़ है गार्डनिंग, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, डिप्रेशन भी नहीं होता किसी टाइप का, जितनी टेंशन होती है वो सब चली जाती है और नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते, क्योंकि लाइफ में नेगेटिविटी होती है तभी सब कुछ बेकार हो जाता है। तो आप गार्डनिंग अच्छा शौक है गार्डनिंग, आप ज़रूर अपनाइए, पहले एक प्लांट से शुरू कीजिए लेकिन गार्डनिंग ज़रूर कीजिए, छोटे से पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा शौक है ये। और अच्छे अच्छे काम करते रहिए, लोगों को खुश रखिए। देखिए हमारा प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है, तो इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी फ्लावरिंग दी है और हमारे मेहनत जो है वो सफल हो गई है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो प्लांट विंटर में सारी लीव्स गिरा देता है, उसे देख के आप ये ना सोचें कि आपका प्लांट सूख गया है। तो इस तीन चीज़ों का बस आप ध्यान रखना है, सनलाइट अच्छी देनी है 4 से 5 घंटे की कम से कम, पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी, नमी बना के रखनी है, और फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास हो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, इस प्लांट में ज़्यादा बीमारियां भी नहीं लगती हैं, तो अच्छे से आप इसकी केयर कर सकते हैं, इजी टू ग्रो इजी टू केयर। तो आप गार्डन में ग्रो कीजिए। ये हमारा डे लिली का प्लांट है और ये इसका लास्ट फ्लावर है और जो कि हमें बाय बाय कह रहा है, तो इसको हमें आपको दिखाना था, क्योंकि इसकी वीडियो हमने आप अपने चैनल पर डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। इस पर पूरे 57 फ्लावर्स खिले थे और ये लास्ट फ्लावर है, अब ये नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा, तो इसको बाय बाय कह देते हैं हम। और काफ़ी अच्छी इसने फ्लावरिंग दी, पूरा इसने बहुत समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी, हमें खुश रखा। तो ये एक और कलर है, देखते हैं ये कौन सा कलर निकलता है, नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में पता चलेगा। थैंक यू।